Two days historical and sensational Bisakhi Mela concluded at Bani. तहसील बनी में इस बार जो हिस्टोरिकल मेला यहाँ पे हो रहा है बिसाखी मेला, तो इससे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगी। और हमारे साथ हैं एक्स डिप्टी स्पीकर, हम इनसे जानेंगे क्यों ये पहले क्यों नहीं किया गया। सर वेलकम है, क्या कहेंगे? इसमें शक नहीं है कि इससे इलाके के लिए एक राह बनती है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है इस वजह से। लेकिन 1998 में मैंने ये शुरू करवाया है, यहाँ पहाड़ी कल्चर एक कमेटी बनाई थी, उससे ये शुरू हुआ था। दंगल के मौके पे हम ये करते थे और काफ़ी यहाँ एक मनोरंजन होता था। और हमारे जम्मू से उस वक़्त भी हमारे जो ये कल्चर से जुड़े हुए ऑफिसर हजरात आते थे, इसमें शक नहीं। लेकिन ये पीछे जो 2-3 साल हमें कोरोना की वजह से हमें यहाँ थोड़ा कमी आई। बिसाखी भी कुछ वक़्त से शुरू हुई थी यहाँ, लेकिन ये पीछे रहा। आज थोड़ा इसमें सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही, इलाके के लिए एक बेहतरी का एक संदेश है और हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए एक बड़ी इसमें बड़ी अट्रैक्शन मिलेगी। बाहर से भी जो लोग आए हैं उनके लिए भी अच्छा है। सर जैसे यहाँ दूर दराज इलाका टूरिज़्म को लेकर कई साल से चला रहे हैं, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टूरिस्ट यहाँ से आते जाते निराश होकर जाते हैं, तो क्या ये पहल है और क्या मैसेज देंगे आप हायर अथॉरिटीज़ को, JKTDC को टूरिज़्म को लेकर? ये भी तो इसमें कोई दोराय नहीं कि हमारे ही ज़माने में यहाँ टूरिस्ट जो है आए, टूरिज़्म को हमने अट्रैक्ट किया। और आपके सामने जो बिल्डिंगें बनी हैं, सरथल में बिल्डिंगें बनी हैं, ये हमारे ज़माने की हैं। आज तो कुछ नहीं है, आज तो मैं कहूँगा आज कम हुआ है। इसमें हमने करोड़ों रुपये उस वक्त खर्च किया और टूरिज़्म मैप में इसको बनी को लाया है हमने उस ज़माने में 1998-99 में। लेकिन बाद में थोड़ा इसमें कमी आई। और ये भी मैं कहूँगा दावे से कि हमारा पैसा जो है यहाँ का टूरिज़्म का डाइवर्ट हुआ है और बिलावर में लगा है, ये कमी हमारे लीडरशिप की है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ यहाँ इंचार्ज GM है NHPC में, इनको भी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने दूर दराज इलाका बनी से शुरुआत की है। वेलकम है सर, एडिशनल सेक्रेटरी जो है आर्ट एंड कल्चर J&K सर। दूसरा दिन है इस फेस्टिवल का और जिस तरह से पब्लिक का जो रिस्पांस हमको मिल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। यहाँ की पब्लिक को हम बधाई देते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ऐसे कल्चर प्रोग्राम में ले रहे हैं। यही हमारी धरोहर है जिसको हमको बबचाने की ज़रूरत है और जिसके लिए जो JK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हर वक्त हर दिन ये काम करती है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम उन जगहों को एक्सप्लोर करें जहाँ पर अभी हमारा जो संस्कृति है वो बची हुई है और उसको बचाने की कोशिश हमारी लगातार रहेगी। थैंक यू सर। जो यहाँ टूरिस्ट एरिया है, टूरिज्म पोटेंशियल के लिए क्या कहेंगे? ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये भी एक किस्म का आपके इस एरिए को हाईलाइट करते हैं किसी न किसी तरीके से। फ्यूचर आप बता यहाँ बनी में रहेगा कि और आप ऐसे प्रोग्राम करें? देखो हमारे ऐसे प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं, वक्तन फ़क्तन ये प्रोग्राम होते रहेंगे जान जान पर। अभी इसकी डेट्स तो हम नहीं बता सकते कि कब क्या होगा, लेकिन ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं। सर हिस्टोरिकल छिंज मेला भी होता है, वहाँ भी आप आएँ? कोशिश करेंगे हम, क्योंकि हमको तो पूरा ब्यूटी देखना है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जहाँ पर पब्लिक होगी, जहाँ पर जनता होगी, जनता के साथ जो है अकेडमी हमेशा चाना बशाना चलेगी। क्रिया आपका बनी एडमिनिस्ट्रेशन मेला की रौनक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनी सुदेश सर और कृष्णा फिलिंग स्टेशन बनी रिस्पेक्टेबल्स हैं, साथ सरपंचज भी हैं, DDC मैम बनी हैं, इन्होंने सब ने मेला की रौनक को जो है वो 4 चांद लगाए हैं। Thank you.
बाकी ये यहाँ का हमारा जो ट्यूब है उसका यही है, एक्सट्रैक्शन कैसे हाँ तो सर ये 6 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये हमारा प्योर कश्मीर का ये प्योर ऑर्गेनिक है, ये चार बंद ये हमारे सर तक बने ना सर हर पंचायत में ये ऑर्गेनिक है। ये मशरूम जो है ये लगी हुई है सर हमारी करोड़ों में लगी है, तो उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इसको बनाया, इसका पिकर बनाया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने मशरूम के बैग दिए हुए हैं, उन्होंने ये पिकल बना के हमें दिया है, तो हमने यहाँ का ग्राम यहीं कर इसको ये कैसे यहाँ पैकिंग वगैरह ये जम्मू के खेती का लोगो लगा सर है जम्मू की ये मक्की हमारी है, बनी की मक्की है और चावल के ग्रांड चार्टर का वहां वहां सरकार को ग्रुप जाना है ना सरकार को चार्टर लेते हैं। बाकी हमारे पास जो ट्रैक्टर आते हैं डीलर आते हैं हमने 5 दिए हैं, वो अगर लाख का हो तो 50,000 सब्सिडी, अगर 6,000 स्वामर का 80,000 का तो उसमें 40,000 मिनी ट्रैक्टर जो है छोटा ट्रैक्टर जो है उसमें 1,00,000 सब्सिडी, सोल्यूशन है मेरे पास मनी का एडिशनल चार्ज है 58 पंचायतें हैं, 6 ब्लॉक हैं और 3 बंदे हैं, मेरे टाइम में 18 लोग थे आज है ही सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मेरे पास मनी का भी है, बसोली का भी है, ऊंट का भी है, मानपुर का भी है, धार मानपुर का भी है, प्रोटेक्शन है कि कहीं बाहर से लाइए खाना पर ये सब वो ये देते हैं आप कितने केसेस हुए हैं आपके पास? हमारे 1,000 से ऊपर केसेस यहाँ बनी चलो करना चाहिए ये आपका आधार भी बनाते हैं बहुत अच्छा, लोगों में दे दो इसका फायदा लोगों को पहुँचे
के खिलाओ रुपये। शांत होकर देखिए, शांत होकर देखिए। मैं खास कर पुलिस से भाइयों से अर्ज करूंगा, गांव ही मेरे पुलिस विभाग में थोड़ा सा बच्ची बच्ची को बिठाने में थोड़ा सा अंतर देख लें। यहाँ पर आज जो हमारे खास मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं ऑडिशन जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर